वापस आ रहा है दोस्तों आप सबके बीच। चीनी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट चुके माइक्रोमैक्स ने एक बार फिर भारतीय मार्केट में माइक्रोमैक्स की इन सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों माइक्रोमैक्स के सीईओ और फाउंडर राहुल शर्मा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि माइक्रोमैक्स दो फोन्स को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें से एक फ़ोन में आपको 2GB रैम और 32GB स्टोरेज, और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलेगा वो आपको दोस्तों मीडिया टेक का हेलियो G35, और दोस्तों दूसरा जो फ़ोन है उसमें आपको 3GB रैम और स्टोरेज आपको 32GB मिलेगा, लेकिन इसमें जो दोस्तों आपको प्रोसेसर मिलेगा वो मीडिया टेक का हेलियो G85 मिलेगा। दोस्तों दोनों फ़ोन के जो कैमरे उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस बताया जा रहा है। दोस्तों जो पहला जो फ़ोन है दोस्तों उसका जो कैमरा मिलेगा उसमें आपको डुअल रियर कैमरा, और जो दूसरा जो फ़ोन है दोस्तों उसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेंगे। दोस्तों माइक्रोमैक्स की इन सीरीज़ के ये फ़ोन आप 7000 और 50000 में देखने को मिल सकते हैं। माइक्रोमैक्स के सीईओ का कहना है कि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वदेशी प्लान से इंस्पायर हुए हैं, और साथ ही उन्होंने भारतीय सीमा पर हुए घटनाक्रम का भी जिक्र करते हुए निंदा की। दोस्तों आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, माइक्रोमैक्स दोस्तों अपने इन दोनों फ़ोन्स को नवंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर देगा। हो सकता है कि ये फ़ोन दोस्तों आपको 2 नवंबर के आसपास देखने को मिल सकते हैं।